फ्रेंड्स, आजकल एक पानी बहुत ज्यादा पीने की एडवाइस की जा रही है बार बार, जिसको बोलते हैं ओकरा वाटर। कुछ इस तरीके का ये जेल है और आज की वीडियो में हम जानेंगे ओकरा वाटर के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारी हेल्थ और हमारी स्किन के लिए। फ्रेंड्स नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे हाथ में एक गिलास देख रहे हो और इसमें कुछ थिक जैसा जेल, पानी तो नहीं है, ये जेल जैसा आपको कुछ नजर आ रहा है, ये मैं आपको ऐसे भी दिखाती हूँ, दिख रहा है ना आपको? डियर फ्रेंड्स, ये जो जेल है, भिंडी का जेल जिसको ओकरा वाटर भी कहते हैं, ये एक्चुअल में ना वाइटामिन और मिनरल से फुली लोडेड है। और ये जो जेल है और ये जो वाटर है ना, ये हमारी स्किन को अंदर से बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन को बहुत 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 अच्छा बना देते हैं। हमारी स्किन को यूवी रेज से बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और हमारी स्किन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये उनको भी ठीक करता है जेल। और अगर कहीं इसका सही तरीके से आपने यूज़ कर लिया ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके चेहरे पे गजब का निखार लेके आता है। तो इसके अलावा बहुत सारे इसके और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इसके कुछ ऐसे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं वो आपको बताती हूँ, जिससे कि आपकी तबीयत भी जो है वो खुश हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए जेल, ये ओकरा वाटर बहुत 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 अच्छा है जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जिनके चेहरे पे बार बार पिंपल्स निकलते रहते हैं। और अगर पिंपल्स जिनके फेस पे निकल रहे हैं वो इस वाटर का यूज करें, अपने फेस पे लगाए, तो रेगुलर यूज करते करते ये उनके चेहरे से पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उसको 100% ठीक कर देगा। क्योंकि ये क्या करता है कि ये जितने भी बैक्टीरिया है, जितने फंगल इन्फेक्शन है, उनको ठीक करता है और चेहरे को बहुत 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 ज़्यादा साफ बना देता है। और ड्राई स्किन वालों की खुशी की तो सीमा ही नहीं रहेगी जिस दिन से उन्होंने इस ओकरा वाटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये ओकरा वाटर जो है, जैसे जैसे आप रेगुलर यूज़ करोगे, ये आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करेगा। जितनी ज़्यादा स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, जितनी ज़्यादा स्किन में नमी रहेगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन पे ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। जब ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप सोच सकते हो आपकी स्किन लंबे समय तक जमा जमा रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ओकरा वाटर का आप लोग आज से ही स्टार्ट करो। जिनकी भी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन पे अब बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं इसके। थर्ड नंबर पे, जिनकी स्किन पे एजिंग साइन बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम आ रही है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो डियर फ्रेंड्स, ओकरा वाटर उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप इस वाटर को रेगुलर पीना और लगाना स्टार्ट करोगे, तो ये आपकी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हेल्प करेगा। क्योंकि रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम क्यों आती है स्किन में? जब ड्राइनेस बढ़ने लग जाती है, तो ड्राइनेस अगर बढ़ रही है और रिंकल्स आने लग गए हैं, फाइन लाइंस आने लग गई हैं, तो आप इसको लगाना स्टार्ट कर दो अपने फेस पे। आप हफ्ते 10 दिन के अंदर ही देखोगे आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आपको नजर आने लग जाएगा। आपकी स्किन जो खिंची खिंची है वो ठीक होने लग जाएगी। आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे अपने चेहरे पे कम होती नजर आएगी। तो बहुत 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 ज़बरदस्त है ये ओकरा वाटर। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। मेरे बेटे को कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जिस दिन वो ये भिंडी खाता था या मैं उसको खिलाती थी, तो क्या होता था, अगले दिन उसको प्रॉब्लम नहीं आती थी टॉयलेट में, नहीं तो अदरवाइज तो उसको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी ये ओकरा वाटर, जिस किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यूज़ करके अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, क्योंकि इसमें फाइबर भी बहुत 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 ज़्यादा होता है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, ये ओकरा वाटर जो है हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत 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 रिच मात्रा में होते हैं इस जेल में। इसलिए इस जेल को आप यूं ही कोई ऐसा वैसा जेल मत समझो, ये बहुत 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 कमाल का जेल है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका मन बने कि जी मुझे भी ओकरा वाटर का यूज़ करना चाहिए, तो इस ओकरा वाटर को बनाना कैसे है, आपने क्या करना है, आपने तीन चार
चार भिंडी लेनी है और उसको बहुत अच्छे से धो देना है दो तीन पानी में। अगर हो सके तो आपके पास वेजी वॉश हो तो आप उसमें अच्छे से इसको वॉश कर ले, ताकि इसके ऊपर जितनी भी स्प्रे होगी या फिर इसके ऊपर मिट्टी है जितनी भी, वो सारी अच्छे से हट जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इन भिंडी को अच्छे से धो के सुखाने के बाद अच्छे से उसको काट लें छोटे छोटे पीसेस में, जिस तरीके से मैंने काटी है ना, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप एक गिलास पानी लो, उसमें इस भिंडी को डाल दो और ओवरनाइट इसको डिप रहने दो इसमें। और जब आप मॉर्निंग में देखोगे तो इसमें कुछ ऐसा जेल जैसा बन जाएगा। तो आपने क्या करना, छन्नी की हेल्प से ये ऊपर ऊपर से, भिंडी छन्नी की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही स्पून से ही आप निकाल लोगे, इसको निकाल लो। और ये जो जेल आपके पास है, ये जो वाटर बच जाए ओकरा वाटर, इसको आप रोज सुबह पीना है आपने। सुबह पीने से इसके आपको बहुत 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 ज़बरदस्त फ़ायदे मिलने वाले हैं। और रेगुलर अपने फेस पे भी लगाते रहो, फेस पे लगाते और पीते रहने से आपकी स्किन जो है वो अंदर से हाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब अंदर से स्किन हाइड्रेटेड रहेगी फुल टाइम, तो आप सोचो आपकी स्किन पे क्या ग्लो आने वाला है। तो माय डियर का आप भी यूज़ करना स्टार्ट करो। और अगर आपको 10 दिन 15 दिन में इसके वंडरफुल रिजल्ट नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर मी, ताकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द कल नहीं तो परसों आपको मिलूंगी एक और डिफरेंट टॉपिक के साथ, एक और डिफरेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अलविदा, बाय बाय।